नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार। मैं हूं कौशल कुमार सिंह। आज मेरे स्टूडियो में प्रवासी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के धरती पर पधारे हैं राजेंद्र दुबे जी। नमस्कार। सबसे पहले बख्तियारपुर विधानसभा की शहीद जनता को मेरा प्रणाम। आपको संगठन बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में किस कार्य के निर्वहन के लिए भेजा, इस पर हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और प्रवासी हूं यहां का, मुझे संगठन ने दायित्व तो दिया है हम आए और अपने जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी 70 समितियां बनी है, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करें, उनसे भारतीय जनता पार्टी उनके बूथ पर कैसे मजबूत हो, पिछले चुनाव से भी बढ़िया कैसे परफॉर्मेंस करे, हम विशेषकर इसी काम के लिए बख्तियारपुर विधानसभा में आए हुए हैं। अब लगभग 5 या 6 दिन बचा हो और 3 तारीख को हमारे यहाँ मतदान होना है, तो ऐसी अवस्था में आपने लगभग क्षेत्रों का भ्रमण कर चुका होगा और आपने बूथ कमेटी के मेंबरों से मिला होगा और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुंदर परिस्थिति बना रखी है पूरे प्रदेश में कि हर जगह बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद है, तो उसको कैसे कम्बिनेट करते हैं, क्या बताते हैं? जैसा कि हम लोग अपने, हमें लिस्ट मिली हुई है विधानसभा से, बूथ से लिस्ट मिली है, हम लोग जाते हैं अपने बूथ के सप्तर्षी कमेटी से मीटिंग करते हैं। सबसे पहले वहां हम लोग जाते हैं तो कमेटी का परिचय करने के बाद वहां की जो सामाजिक ढांचा है उसके बारे में वहां पूछते हैं। पूछने के बाद हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, चूंकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ के लोकल कार्यकर्ता होते हैं, उनको हर चीज का संज्ञान होता है, हम उनसे बस अपने बूथ स्तर के काम के बारे में बताते हैं। तो राजेंद्र जी बताइए कि जो पहले से आपके यहाँ कमेटी निर्माण सप्तऋषि और पन्ना प्रमुख का निर्माण हुआ रहता है, ऐसे में आपको काम करने में दिक्कतों की सामना करना पड़ता है या काम आसान हो गया? देखिए, पहले से कमेटी गठित है तो एक प्रकार से ट्रैक बना है, गाड़ी है, तो सरलता से चल रही है, काम हमारा काफी आसान है, बस उन्हीं को चार्ज करना है। उनसे हम बात करते हैं कि अपने मन मुताबिक जो मतदाता है, जो हमारे पक्ष के हैं, उनको ज्यादा अप्रिशिएट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं, मूल हमारा यही काम है। अब ये काम बहुत ही आसान हो चुका है कमेटियों के गठन के बाद जी। लेकिन एक बात ये आता है कि क्या आप जैसे संगठन स्तर पर घूम रहे हैं, पन्ना प्रमुख से मिल रहे हैं, सप्तऋषि कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या अभी अब जैसे गांव के परिवेश में भी आप घूम रहे हैं और शहर के परिवेश में भी घूम रहे हैं, मतलब दोनों, ठीक है, तो गांव में जब जाते हैं तो मेरा प्रश्न है आपसे कि गांव में जाते हैं तो क्या ये सप्तऋषि कार्यकर्ता जो बूथ पर हैं या जो पन्ना प्रमुख हैं जो बन चुके हैं और आपके पास लिस्ट भी है, हमें दर्शकों को ये बताएं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये प्रबंधन समितियां हैं, ये छोटे छोटे स्तर पर जो विकेंद्रीकरण किया गया संगठन को मजबूत करने के लिए, क्या ये कारगर है? ये बहुत ही कारगर है। हम लोग जब भी गांव में जाते हैं, चूंकि इस वक्त धान की कटाई का प्रमुख समय है, कुछ कार्यकर्ता हमारे जरूर उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हम 70% ज्यादा कार्यकर्ताओं से बूथ पर मिलते हैं, वो हमसे मिल जाते हैं, हम लोग चूंकि पहले से जाने के पहले एक दिन पूर्व उनको सूचना देते हैं कि हम आएंगे आपके यहाँ, तो लोग गैदरिंग किए रहते हैं, बैठते हैं अच्छे स्थान पर, बल्कि वहाँ गांव के तमाम जनता जनार्दन भी पहुंच जाती है हम लोगों की बात सुनने के लिए और हमारी बातों को वो भी मजबूती से रखते हैं और कार्यकर्ता एकदम उत्साह के साथ लगे हुए हैं फील्ड में। भी आपसे एक प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव चरम सीमा पर है और लगभग आप बूथ स्तरों पर घूम आए हैं और वहाँ का प्रबंधन आपने देखा है और दिशा निर्देश भी दिया है, मैं जानता हूँ जैसा आप बता रहे हैं। अब मेरे दर्शकों को बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ निवर्तमान विधायक भी हैं और वो फिर चुनाव में हैं, तो क्या परिस्थितियां हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह का आप बताइए हमारे दर्शकों, चूंकि आपके दर्शक में सभी सामान्य वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग मतदाता भाई बहन है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल के बारे में बता दूं, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, उनके जो उनका जो अंत्योदय का
मंत्र है उस पे चलने वाले हैं। अंत्योदय का मतलब होता है कि विकास की कड़ी में सबसे पीछे सबसे पिछड़ा व्यक्ति का विकास कर दिया जाए तो समाज का, देश का और राष्ट्र का विकास अपने आप संभव है। आप आसान भी थे कि केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में जो काम किया है उसमें बिहार के आप सरजमीं पे वहाँ भी काम हुआ है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के रूप में सरकार चल रही है, निस्संदेह अच्छी काम हुई है, उसके आधार पर आप जनता के बीच में है, आपके प्रतिनिधि जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।